बेबी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियाँ जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे फल और सब्जियों के हिमीकरण के बारे में, साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान बलजिंदर सिंह जी से, और अंत में आपको जानकारी देंगे ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, हर बार की तरह इस साल भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में पूसा किसान विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये मेला 11 मार्च तक चलने वाला है, लेकिन 9 मार्च को इस मेले में क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। नौ मार्च 2022 को केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने किया। मेले में देश के विभिन्न भागों से आए हजारों प्रगतिशील किसान, महिला उद्यमी व स्टार्टअप शामिल हुए हैं। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौधरी ने पूसा संस्थान द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए किसानों से नई तकनीकों, वैज्ञानिक नवाचारों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित पूसा एग्री कृषि हाट परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। पूसा एग्री कृषि हाट परिसर में किसान तथा किसान उत्पादक संगठन अपने उत्पादों का प्रत्यक्ष विपणन कर पाएंगे। इस सुविधा से उपभोक्ता सीधे ही किसानों के उत्पाद खरीद पाएंगे, जिससे इन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिल सकेगी। कृषक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परिसर में 60 स्टॉल, हाट एवं दुकानों का प्रावधान है। ICAR के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष 9 से 11 मार्च तक आयोजित इस मेले का मुख्य विषय तकनीकी से आत्मनिर्भर किसान है। मेले के प्रमुख आकर्षक हैं स्मार्ट डिजिटल कृषि, एग्री स्टार्टअप एवं किसान उत्पादक संगठन, जैविक तथा प्राकृतिक खेती, संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक या वर्टिकल खेती, कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन सलाह केंद्र। साथ ही मेले में संस्थान द्वारा विकसित नवीन किस्मों की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने भारत सरकार द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे कार्यों व कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। उन्होंने किसानों से सरकार के साथ मिलजुल कर योजनाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में उप महानिदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर AK सिंह, उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर TR शर्मा, एपिडा के चेयरमैन डॉक्टर M अंगमुथु भी विशेष रूप से उपस्थित थे। पूसा के अंदर जो ये मेले का आयोजन होता है, इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है और किसानों को इस मेले का इंतजार रहता है, और किसान इस मेले के अंदर बढ़ चढ़ कर आते हैं और यहाँ पर जो सरकार की योजना है उसको भी समझते हैं, और जो ICAR के द्वारा या जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जो रिसर्च किया जाता है उस रिसर्च की नई वेराइटियाँ भी यहाँ पर आती है, और उस वेराइटी की फसल बीज है उसको ले जाकर अपने खेत के अंदर प्रयोग करता है,
और यहाँ पर हमारे जो स्टार्टअप हैं वो भी कई तरह जो स्टार्टअप हैं यहाँ पर अपने आप आकर स्टॉल लगाते हैं, और साथ ही जो हाईटेक जो खेती है उसके भी प्रदर्शनी की लगाई जाती है। तो इसको देखकर वो अपने किसान अपने खुद के खेत में जाकर करता है, और उसी से किसान की जो आज जैसा कि उत्कृष्ट किसान के अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो ये सारी यहाँ पर जब उस मेले के अंदर देखते हैं और तो उसी से वो सीख कर जाते हैं और वहाँ जाकर करते हैं। तो इस मेले का निश्चित रूप से पूरा एक अलग ही महत्व है और पूरे देश का ये मेला है। तो इसके अंदर आज किसानों के चेहरों पर भी खुशियाँ हैं, यहाँ पर सब आए देखा है उन्होंने, और सब ने ये कहा कि ये मेला है वो एक साल में एक बार नहीं दो बार होना चाहिए। तो इस तरह से किसानों को इस मेले से बहुत लाभ मिलता है। मरुस्थल के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी उगाई है और बहुत सारी एग्जॉटिक सब्जियां हैं, जैसे ब्रोकली है, लेट्यूज है, आइसबर्ग लेट्यूज है, चकुंदर है, बागचोय है, बहुत सारी ये सब्जियां मैं उगा रहा हूं। और बरसात का पानी जो है, मैं 75 लाख लीटर बरसात का पानी इकट्ठा करता हूँ और उसके अंदर फार्म पॉन्ड बना रखा है। फार्म पॉन्ड के अंदर 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी है। मछलियों का वेस्टेज मेरी फसल के लिए काम में आता है, और जो भी पशुपालन के अंदर मेरे पास में गाय है, गिर गाय है, मुर्रा भैंसे हैं, और अभी हाल ही में मैंने अविसान भेड़ जो है जो राजस्थान के क्लाइमेट के अनुसार सबसे बेस्ट है। मैम इनके साथ में मैं सारा खेती का देखभाल करती हूँ, मार्केटिंग वगैरह का भी काम करते हैं, जैसे पैकिंग वगैरह है, स्ट्रॉबेरी की पैकिंग वगैरह है, वो सब भी हम देखते हैं। मजदूरों वगैरह की भी मजदूरों को भी गाइड करते हैं उसके लिए हम, और सर की देखरेख में जैसे सर के साथ जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है हम सर के साथ में सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं, और जैसे मीडिया वगैरह वाले भी कोई आते हैं तो उनको भी हम पूरा टूर करवाते हैं अपने फार्म हाउस का। आलू पैदा किया, यह जैविक आलू है और ये जैविक तरह से केंचुआ खाद डाला, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, और ये करीबन 500 ग्राम का आलू है, और ये आलू और इसकी अच्छी डिमांड है हमारे क्षेत्र में, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, अच्छे आलू है और स्वादिष्ट भी अच्छा है, टेस्ट है। और यह जैविक प्याज है, इसकी भी अच्छी डिमांड है, और इसमें भी वर्मी कंपोस्ट डाला मैंने, और ये अभी तैयारी है, पकने में तैयारी है 8 दिन की। और ये लहसुन है, ये देसी लहसुन है, ये भी जैविक प्रकार से तैयार कर रहा हूँ मैं केंचुआ खाद से, और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगले साल भी मैंने 4 बीघे की 4 लाख की लहसुन बेची थी ये मैंने, और इस साल भी अच्छा रिजल्ट है लहसुन का। और ये गेहूँ है बलराम, मैंने खुद ने तैयार की है, और ये करीबन 20 से 23 क्विंटल पर बीघा की एक निकलता है गेहूँ। और ये इसकी खासियत ये है कि ये बारिश होती है, आंधी चलती है, तब भी आड़ा नहीं पड़ता, गेरुआ रोग नहीं लगता है, और अच्छी ज़ोरदार बालियाँ मजबूत रहती है और पौधा भी मजबूत रहता है इसका, और ये अच्छी अपने किसानों के लिए एक वरदान किस्म है। आई कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे, और अब देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फसलों को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उन्हें ठंडे वातावरण में रखना होगा। जी हाँ, इसीलिए शीत गृह की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बात करें फल और सब्जियों की, तो उसमें केवल शीत गृह काम नहीं आता, बल्कि उसमें आपको फ्रीजर की जरूरत होती है, क्योंकि फल और सब्जियों को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए उन्हें बर्फ में जमाना होता है। तो आइए आज आपको जानकारी देते हैं फल और सब्जियों के हिमीकरण के बारे में। फलों, पके हुए खाने या बिना पकी सब्जियों को रखने के लिए घर घर में फ्रिज मौजूद है, और उसमें एक फ्रीजर भी होता है। ये फ्रीजर भी खाने पीने के सामान को बर्फित यानी हिमीकृत कर सकता है, लेकिन व्यावसायिक रूप से हिमीकरण का तरीका बिल्कुल अलग है। हिमीकरण दरअसल ऐसी तकनीक है जिससे फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसके लिए जरूरत होती है IQF प्लांट की। ये ऐसी तकनीक है जो फलों और सब्जियों की उम्र को 1 साल तक या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकती है, और कमाल की बात यह है कि उनकी पौष्टिकता में कोई कमी नहीं आती। हालांकि फल सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए शीत गृह भी मौजूद है, लेकिन इनका तापमान 7 से 28 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है, जबकि फ्रीजिंग यानी हिमीकरण में फ्रीजर और कक्ष का तापमान -1 से भी नीचे रखा जाता है। इतने कम तापमान पर फल और सब्जियां बर्फ के रूप में आ जाती हैं। हिमीकरण में 1 साल बाद निकालने पर भी फल सब्जियां ताजे रहते हैं, बल्कि उनका आकर्षण और बढ़ जाता है।
जिससे ग्राहक खींचा चला आता है। इसके अलावा ये प्रदूषण और रोगाणुओं से भी बची रहती हैं। हेमीकरण की वैसे कई विधियां हैं, लेकिन चार सबसे ज्यादा प्रचलन में हैं। इनमें से पहली है भौतिक विधि, दूसरी है किण्वन विधि, तीसरी है रोगाणु रहित विधि और चौथी है रासायनिक विधि। हेमीकरण में सबसे पहले किसानों से सब्जी खरीद कर कलेक्शन सेंटर पर लाया जाता है, फिर उनका अनावश्यक भाग और खराब फलों को हटा देते हैं, ग्रेडिंग करते हैं ताकि एक पैकेट में सामान आकार वाले फल सब्जियां हों। इसके बाद इन्हें धोया जाता है, धोने के बाद एक बार और जांच की जाती है। इसके बाद ब्लांचिंग का नंबर आता है। ब्लांचिंग यानी सब्जियों को 90 डिग्री पर गर्म पानी या भाप में 5 मिनट तक रखते हैं और फिर टनल में -18 डिग्री तापमान पर ठंडा करते हैं। इसके बाद पैकिंग कर दी जाती है और हेमीकरण कक्ष में रख दिया जाता है। बर्फित फलों और सब्जियों के संग्रहण कक्ष का तापमान -29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि सापेक्ष आर्द्रता 85 से 90% होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी फल और सब्जियां समान रूप से बर्फित हो भी गई हैं या नहीं। कम तापमान पर हेमीकरण से विटामिन ए और बीबी कैरोटीन सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। फूल गोभी, ब्रोकली, गाजर और हरी मटर को -40 डिग्री पर ब्लास्ट एयर फ्रीजर से हेमीकृत करने पर ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, इस तापमान पर गाजर और मटर में बी कैरोटीन की मात्रा बढ़ भी जाती है। फल और सब्जियां कुछ ही समय बाद खराब होने लगती है। यही वजह है कि अगर मंडी में भाव लुढ़के हुए हो तब भी औने पौने दामों में बेचना किसानों की मजबूरी होती है। समस्या ये है कि किसानों के पास हेमीकरण का प्लांट लगाने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में ये काम कंपनियां करती हैं। नए फल और सब्जियां आने पर उन्हें किसानों से खरीद लेती हैं और फिर फ्रीज करके बेचती हैं। ये कंपनियां फसल आने से पहले ही किसानों से अनुबंध कर लेती हैं। इस तरह किसानों को एक निश्चित कीमत मिल जाती है, यानी उन्हें भाव में उतार चढ़ाव का डर नहीं रहता। दूसरी ओर फलों और सब्जियों की बर्बादी रुकती है और उपभोक्ताओं को फसल सीजन गुजर जाने के बाद भी फल और सब्जियां मिलती रहती हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। परंपरागत फसलों की खेती के अलावे हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि फल और सब्जियों की खेती करते हैं और कुछ किसान ऐसे हैं जो कि बीज उत्पादन भी कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान बलजिंदर सिंह जी से, जो कि बीज उत्पादन करके न केवल अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। हमारे देश के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई मिसाल कायम की है और इन्हीं कामयाब किसानों की फेहरिस्त में एक नाम उभर के सामने आता है, बलजिंद्र सिंह का। लुधियाना के एक छोटे से गांव में बलजिंद्र सिंह को खेती करते देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। इनका रहन सहन, पहनावा और काम करने का तरीका गैर परंपरागत है। खेती का सारा काम बलजिंद्र सिंह खुद करते हैं। खेतों में जुताई, बिजाई, सिंचाई और कटाई, ये सभी काम उन्हीं के जिम्मे है। फिर भी उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो परंपरागत किसान नहीं है। खेती उन्हें विरासत में नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों और समझ के दम पर खेती को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने अपने साथी किसानों को भी तरक्की की राह दिखाई है, जिस पर चलकर ये जान रहे हैं कि खुशहाली किसे कहते हैं। बलजिंद्र सिंह ने अपनी कामयाबी का सफर
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू किया था। जब उनका परिवार लुधियाना आया तब उनके पिता ने यहाँ जमीन खरीदी और वो खेती करने लगे। बलजिंदर सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते हुए देखते थे। वो खेतों पर अपने पिता और स्थानीय किसानों को कड़ी मेहनत करते देखते जिससे उनका घर चल रहा था। बलजिंदर सिंह का रुझान खेती की तरफ होता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर किसान ही बनेंगे। शुरुआती दिनों में बलजिंदर सिंह ने अपने पिता के साथ गेहूं, धान और सब्जियों की खेती की, लेकिन उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए और अपने उत्पादों के सही तंत्र को समझने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने जाना कि क्यों किसान हर समय नुकसान में रहता है। उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाने और उपज के सही समय पर नहीं बिकने के कारण बलजिंदर सिंह बेहद परेशान रहते थे। खेती में आगे अच्छा करने के उद्देश्य से इन्होंने बीज उत्पादन करना शुरू करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने बीज उत्पादन के विषय में 5 साल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण लिया, जिसके फल स्वरूप बलजिंदर सिंह बीजों के विषय में अधिकांश चीजें जान चुके थे। वो ये जान चुके थे कि बीजों का काम खेती से ज्यादा मुनाफे का है, लिहाजा उन्होंने बीजों का काम करना शुरू कर दिया और ये उनके जीवन का अहम फैसला था। एक ऐसा फैसला जो उनके आगे बढ़ने की नई राहें खोल सकता था। उन्होंने 10 एकड़ जमीन में बीजों का काम शुरू किया। स्थानीय किसान विश्वास पर बलजिंदर सिंह से बीज खरीदने लगे। बलजिंदर सिंह बीजों का इस्तेमाल पहले अपने खेतों में करते और गुणों की परख के बाद ही वो दूसरे किसानों को बीज बेचते थे। धीरे धीरे स्थानीय किसानों के बीच बलजिंदर सिंह ने विश्वास जमा लिया और वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ने लगे। हौसला बढ़ा तो बलजिंदर सिंह बीजों की नई नई किस्में तैयार करते और किसानों को बेचते। उन्होंने बीजों की पैकिंग भी शुरू कर दी। अब वो किसानों को पैक किए हुए बीज बेचने लगे। उनके इस काम ने उन्हें नई पहचान दिलाई और साथ ही आर्थिक संपन्नता भी उनके घर आई। बलजिंदर सिंह किसानों को केवल बीज ही नहीं बेचते बल्कि उन्हें बीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं। आज बलजिंदर सिंह किसानों को गेहूं और धान के बीज सप्लाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान बीज के व्यापार में आए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। बलजिंदर सिंह का मानना है कि खेती को समझदारी और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो ये मुनाफा देने वाला काम है। वो युवा किसानों से इतना ही कहना चाहते हैं कि वो खेती से जुड़े और बीज उत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमाएं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और देंगे आपको कुछ और विशेष जानकारियां। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए सरकार नित नई योजनाएं आपके लिए लेकर आती है, जिससे कि आपकी आमदनी में इजाफा हो। कृषि का क्षेत्र हो या फिर पशुपालन का क्षेत्र, आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसी के तहत हमारे किसानों का टेक्नोलॉजी के अंदर रुझान देखते हुए हमारी सरकार कई तरह की ऐसी ऐप्स भी लेकर आती है, जिन्हें आसानी से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आइए आज आपको जानकारी देते हैं ई गोपाला ऐप के बारे में। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गांव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे। अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandidk@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। दुर्घटना से हुई विकलांगता का अब संभव है इलाज। बेजुबान पशुओं पर होगा अब पशुपालकों को नाज। दूर होगी पशुओं के पांव की समस्या। जानिए पशुओं को लगने वाले कृत्रिम पांव का राज।
देखिए कृत्रिम पांव, पशुओं के लिए वरदान। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण, भारत के सभी खेले जाने वाले मैचों का, सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं 6 मार्च से सुबह 6 बजे से FM रेनबो नेटवर्क, DTH और DRM। तो सुना ना भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, सात फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, लॉन्जिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेतीबाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा, और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर, हर रविवार रात 8 बजे।